नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बीते 20 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी। बता दें कि वो राष्ट्रपति का बिहार का दौरा बेहद खास था और अब देश के उपराष्ट्रपति यानी वेंकैया नायडू आगामी 7 नवम्बर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का यह बिहार दौरा भी बेहद खास होने जा रहा है। बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति का यह 2 दिवसीय बिहार का दौरा होगा, जहां पर वो वायुसेना के विमान से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो राजभवन जाएंगे। इसके साथ ही साथ उनके आगे का कार्यक्रम पहले मोतिहारी में होगा, जहां पर वो मोतिहारी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसके बाद वो खास कार्यक्रम में शिरकत लेने नालंदा के राजगीर पहुंचेंगे। बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू नालंदा के राजगीर में 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई अधिकारी और मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। क्या कुछ खास होने जा रहा है देश के उपराष्ट्रपति के इस 2 दिवसीय बिहार दौरे पर और किन कार्यक्रमों में उनको शिरकत करना है, क्या कुछ खास होने जा रहा है राजगीर में, आइए इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शनिवार को देर शाम 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। सबसे पहले वे वायुसेना के विमान एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां से राजभवन जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बिहार में 2 दिन रहेंगे। रविवार यानी 7 नवंबर को वो मोतिहारी के पिपरा कोठी और नालंदा का दौरा करेंगे। वे पिपरा कोठी में कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे। मोतिहारी के बाद दोपहर में उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम राजगीर स्थित नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में है, जहां वे धर्म धम्म विषय पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत देश विदेश के कई विद्वान और अन्य गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। यहाँ के कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति पटना एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। बता दें कि 7 नवंबर को मोतिहारी राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र देंगे। इसके अतिरिक्त दीनदयाल उपाध्याय हॉर्टिकल्चर कॉलेज के नए भवनों का उद्घाटन भी करेंगे, साथ ही पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 7 नवंबर को पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियां अंतिम चरण पर है। समारोह विश्वविद्यालय की पूर्वी चंपारण स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉर्टिकल्चर कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। कॉलेज की स्थापना 2 साल पहले ही की गई थी। इसके लिए वर्ग संचालन विश्वविद्यालय के पूसा स्थित भवन में की जा रही है। पूर्वी चंपारण के कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी में स्थापित कॉलेज का नया भवन बनकर तैयार है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद से यहां पढ़ाई शुरू की जाएगी। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उपराष्ट्रपति उद्घाटन भी करेंगे। इस केंद्र की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से किया गया है, जहां से किसानों को मवेशियों के नस्ल सुधार में सहयोग मिलेगा। बता दें कि 7 नवंबर को पिपरा कोठी में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपराष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण पर है। वहीं पूर्वी चंपारण के सांसद पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह लगातार तैयारियों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बता दें कि आज देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पटना पहुंचेंगे, जहां पर उनका बिहार का 2 दिवसीय दौरा शुरू हो जाएगा। बता दें कि आज दोपहर वो वायु विमान से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सीधे राजभवन जाएंगे। उसके बाद रात्रि भोजन के बाद राजभवन में ही उपराष्ट्रपति विश्राम करेंगे, जिसके बाद कल यानी 7 नवम्बर को उनका कार्यक्रम पहले मोतिहारी में रखा गया है। उसके बाद वो राजगीर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत
बात करेंगे उनके साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति राजगीर में विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन भी उनके द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद वो 2 दिवसीय दौरे के बाद वापस नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़4नेशन में। नमस्कार।